मेन ऊन में एक डिफरेंट कलर के ऊन को गांठ लगा लें और फिर उसे सिलाई के नीचे ऐसे लगाएं। जो दूसरे रंग का धागा है वो दाहिनी ओर में आएगा और मेन कलर वाला बाएं साइड में। तो जैसे हम फंदे डालते हैं वैसे ही हम 16 फंदे डालेंगे और खींचते समय इसको थोड़ा ढीला रखेंगे, हमको बहुत टाइट नहीं करना है, ढीला रखेंगे क्योंकि इसे हमें खोलना है। तो 16 फंदे हम डालेंगे। अब हम यहाँ पे दूसरे रंग का ऊन अटैच करेंगे और दो फंदा सेकेंडरी कलर से सीधा बुन लेंगे और फिर शेष फंदे प्राइमरी कलर से सीधा। सेकेंड रो और रॉन्ग साइड 14 फंदे हम प्राइमरी कलर से उल्टा बुन लेंगे। और लास्ट के दो फंदे सेकेंडरी कलर से उल्टा। थर्ड रो और फ्रंट साइड अब दो फंदे सीधा बुनेंगे। दो फंदे प्राइमरी कलर से सीधा, फिर दो फंदे सेकेंडरी कलर से सीधा और फिर शेष फंदे प्राइमरी कलर से सीधे। रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे बनाए जाएंगे, जो जिस कलर से बुना गया है उसी कलर से उल्टा। फिफ्थ रो और फ्रंट साइड अब चार फंदे प्राइमरी कलर से सीधे बनाए जाएंगे और नेक्स्ट दो फंदे सेकेंडरी कलर से सीधे और फिर शेष फंदे प्राइमरी कलर से सीधे। और रॉन्ग साइड से जो जिस कलर से बुना गया है उसी कलर से उल्टा बुन लिया जाएगा। सेवेंथ रो और फ्रंट साइड 6 फंदा प्राइमरी कलर से सीधा, फिर अगला दो फंदा सेकेंडरी कलर से सीधा। आप देख रहे हैं कि डिज़ाइन दो दो फंदे आगे बढ़ता चला जा रहा है। तो मैं आपको बुन के दिखाती हूँ। देखिए डिज़ाइन एक साइड से दूसरी साइड पे चला गया है। अब दो फंदा काले रंग के ऊन से उल्टा बुन लेंगे और फिर सभी फंदे सेकेंडरी प्राइमरी कलर से उल्टे और हम इस धागे को ऐसे लपेटते जाएंगे क्योंकि हमें इसे दूसरी साइड में लाना है। प्राइमरी कलर से उल्टा बुनते जाएंगे और सेकेंडरी कलर वाले धागे को लपेटते जाएंगे। और फिर ये जो डिज़ाइन यहाँ से हमने शुरू किया है फिर वही पहले लाइन से हम वापस शुरू कर देंगे। दो फंदा सेकेंडरी कलर से सीधा और शेष फंदे प्राइमरी कलर से सीधे। और वापस
यहाँ तक आएंगे। ऐसा हम 5 बार करेंगे। ऐसा ही हम 5 बार करेंगे, यानी डिज़ाइन यहाँ फ्रंट से स्टार्ट, यहाँ से पहली लाइन फंदे से स्टार्ट करेंगे और लास्ट फंदे तक ले जाएंगे। तो मैं आपको ऐसे करके दिखाती हूँ।